हेलो नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दास और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल इजी हेल्थ एजुकेशन में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट एड है। आज हम जानेंगे कि फर्स्ट एड क्या होता है और किन किन सिचुएशन में करना चाहिए और फर्स्ट एड देते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि फर्स्ट एड क्या होता है। फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार। अचानक से बीमार हो जाना या फिर चोट लगने की स्थिति में तुरंत दिया जाने वाला उपचार ही प्राथमिक उपचार कहलाता है, फर्स्ट एड कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किन किन सिचुएशन में फर्स्ट एड में हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट अगर किसी व्यक्ति का रोड एक्सीडेंट हो गया है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इंजर्ड पर्सन को एक्सीडेंटल स्पॉट से थोड़ा दूर ले जाना चाहिए, यानी कि घायल हुए व्यक्ति को उस घटना स्थल से थोड़ा दूर ले जाना चाहिए ताकि वो आराम फील कर सके, कंफर्टेबल महसूस कर सके। ठीक है, उसके बाद हमें चेक करना है कि अगर ब्लड का बहाव कहीं से ज़्यादा हो रहा है तो इस कंडीशन में आपको साफ कपड़ा लेना है, उस जगह को अच्छे से बांध लेना है ताकि ब्लड का बहाव बंद हो सके। ठीक है, उसके बाद आता है फर्स्ट एड का ABC रूल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, यह रूल सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ABC रूल क्या है। ABC यानी कि ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग और सी फॉर सर्कुलेशन। सबसे पहले हमें एयरवे के वायु मार्ग की जाँच करनी है, उसके बाद ब्रीथिंग की जांच करनी है यानी कि विक्टिम जो है सांस ले रहा है या नहीं ले पा रहा है, उसके बाद सर्कुलेशन की जांच करनी है यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन। आप अगर आपको लगता है कि विक्टिम पूरी तरह से बेहोश हो चुका है या फिर उसकी सांसें नहीं चल रही हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको CPR की ज़रूरत पड़ती है। अब CPR क्या होता है, कार्डियोपल्मोनरी यानी कि CPR एक ऐसा प्रोसीजर है हार्ट को पंप करने का, सर्कुलेशन को चालू करने का या फिर बढ़ाने का एक प्रोसीजर है। अब CPR कैसे करें, CPR किसी व्यक्ति को कैसे देना चाहिए, विक्टिम को कैसे देना चाहिए। आप अपने दोनों हाथों को ऐसे लॉक कर लें और उसकी सहायता से, गदोरी की सहायता से हार्ट पे यानी कि सीने पे, छाती पे प्रेस करना है। एक मिनट में कम से कम 80 से 100 बार प्रेस करना है और ये चीज़ तब तक करना है जब तक कोई एम्बुलेंस ना आ जाए, तब तक आपको ऐसा प्रोसीजर करते रहना है। अब बात करते हैं अगर किसी व्यक्ति के नाक से ब्लड आ रहा है तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले हमें विक्टिम को बैठाना चाहिए, सर को आगे की तरफ झुकाना चाहिए ऐसे। ठीक है, उसके बाद से अंगूठे और उंगली की मदद से नाक को ऐसे 5 मिनट तक पिंच किए रहना यानी कि दबाए रहना है। ठीक है, उसके बाद भी अगर ब्लड का बहाव बंद नहीं हो रहा है तो इस कंडीशन में रोगी को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगर कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि विक्टिम का शरीर अगर हल्का फुल्का जला है यानी कि थोड़ा बहुत अगर जला है तो उसको बहते हुए ठंडे पानी से धोना चाहिए, उस जख्म को बहते हुए ठंडे पानी से धोना चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार का कोई तेल या मलहम नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, और जले हुए त्वचा को उजाड़ना नहीं चाहिए। ठीक, और फफोले को फोड़ने की गलती कभी ना करें। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि विक्टिम का शरीर ज़्यादा जला हुआ है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में घाव को साफ कपड़े से ढकना चाहिए और तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करना चाहिए और मरीज को अस्पताल में भर्ती करना। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट एड देते समय हमें किन किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, घायल व्यक्ति को कभी भी डीमोनिटाइज नहीं करना चाहिए, यानी कि अरे बाप रे कितना खून बह रहा है, कितना घाव हो गया है, ये सब बातें नहीं करना चाहिए। ठीक है, और घायल व्यक्ति के आसपास भीड़ इकट्ठा होने नहीं देना चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात, अगर विक्टिम यानी कि घायल व्यक्ति बहुत ज़्यादा डरा हुआ है तो उसे तसल्ली देना चाहिए। ठीक है, और चौथा और लास्ट बात, अगर आपको लगता है कि पेशेंट रोगी जो है बहुत ज़्यादा सीरियस है तो ऐसे कंडीशन में प्लीज़ आप खुद का डॉक्टर ना बने, इस सिचुएशन में एम्बुलेंस को कॉल करें या फिर नज़दीकी अस्पताल में रोगी को भर्ती कराएं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही,
धन्यवाद।